सुरक्षा बल ने ट्रेन से 106 किलोग्राम गांजा जब्त कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई विशाखापट्टनम नई दिल्ली एक्सप्रेस में बुधवार को की गई है। ट्रेन में तैनात आरपीएफ स्टाफ की सूचना पर ट्रेन के नागपुर स्टेशन पर आते ही उसे चेक करने पर S5 कोच में बर्थ के नीचे 4 बैग से गांजे की बदबू आ रही थी। यहां 4 लोगों से पूछने पर ठोस जवाब नहीं दिया। कड़ाई बरतने पर उन्होंने 3 बैग में गांजा होना बताया। इन लोगों में दिल्ली के सोनम शकील अहमद, मोहम्मद आसिफ अहमद, इमरान मोहम्मद इरशाद कुरैशी और गुलफान उस्मान खान शामिल थे। इसी ट्रेन के B1 कोच में बर्थ के नीचे 5 बैग से गांजे की गंध आ रही थी। यहां बैठे 3 यात्रियों द्वारा बैग के बारे में ठोस जवाब नहीं देने पर कड़ाई बरती गई। इस दौरान उन्होंने बैग में गांजा होना बताया। इनमें उत्तर पश्चिमी दिल्ली निवासी गुलशन शरीफ, सैफ अली अंसारी और गाजियाबाद निवासी विपिन विजेंद्र सिंह का समावेश था। सभी आरोपियों को स्टेशन पर 8 बैग के साथ उतारा गया। बैग से 106.807 किलो गांजा जब्त किया गया। इसकी कीमत 16,02,105 आकी गई। निरीक्षक अपराध श्री नवीन प्रताप सिंह एवं निरीक्षक आरपीएफ थाना नागपुर आरएल मीना के मार्गनिर्देशन में ड्यूटी स्टाफ जसवीर सिंह, नवीन सिंह, मुकेश राठौर, सागर लाखा, अजय सिंह, राजू मीना तथा उर्मिला शर्मा द्वारा ट्रेन नंबर 20805 को नागपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर चेक करने के दौरान कोच नंबर B1 एवं S5 से कुल 7 संदिग्ध व्यक्ति को, जिसमें 5 पुरुष एवं 2 महिलाएं को 8 बैग संदिग्ध के साथ उतारा। उतारने के बाद श्रीमान सहायक सुरक्षा आयुक्त श्री कोटा जोजी साहब के उपस्थिति में पंचनामा किया गया, जिसमें बैगों खोलने पर उसमें कुल 107 किलो गांजा मिला, जिसकी अंदाजन कीमत लगभग 16 लाख रुपये और उनके ताबे से जब्त किया गया। पकड़े गए सभी आरोपी विशाखापट्टनम से नई दिल्ली जा रहे थे और विशाखापट्टनम से गांजा प्राप्त करके दिल्ली में कहीं सप्लाई करने वाले थे, जिसकी जांच जारी है। उन सभी को, पकड़े गए आरोपियों को भी GRP में सुपुर्द किया गया है, जिनके खिलाफ नशीले पदार्थों की तस्करी के संबंध में कार्रवाई जारी है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज़ नागपुर।